यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आई, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 45 में ये संशोधन लाया गया। क्या है ये संशोधन? और मनीष तिवारी ने इसका विरोध किया और बड़ा खतरनाक विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं इसको बता दूं क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अब आरबीआई के दायरे में लाने के लिए ये संशोधन लाया गया, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई बनाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बैंक्स हैं उनके बारे में। मनीष तिवारी जी खड़े हुए और उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स जो सोसाइटीज़ हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट बनता है और स्टेट सब्जेक्ट बाकायदा उन्होंने 7th शेड्यूल की एंट्री नंबर 2nd लिस्ट एंट्री नंबर 32 को हवाला देते हुए कहा कि भाई सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो स्टेट का सब्जेक्ट है। हम सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में अभी जिस समय नोटबंदी हुई थी या नोट एक्सचेंज हुए थे उस समय बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे कि भाई ये कोऑपरेटिव बैंकें जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा धांधली की गई है, कोऑपरेटिव बैंकों ने पैसा ये कर दिया वो कर दिया और बहुत सारी चीज़ें, और इस पर रेगुलेशन सरकार का नहीं। असल में कारण ये था कि वो बैंकिंग रेगुलेशन में नहीं आते थे, यानी कि आरबीआई उनके आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं आते थे। उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक छोटे छोटे बनाकर एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए खोले गए थे। उद्देश्य ये था कि बैंकिंग रेगुलेशन के चक्कर में ना पड़े, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इनका इस्तेमाल हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि नोटबंदी के समय पर उसका कितना मिसयूज़ किया गया। तो मोदी सरकार ने ये फैसला किया कि अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बैंक्स हैं वो बैंक्स भी बैंकिंग रेगुलेशन के तहत आएंगे और वो आरबीआई उस पर नियम बनाने के लिए सक्षम होगा, आरबीआई के कंट्रोल में रहेंगे। पहले उन्होंने उसका ऑर्डिनेंस जारी किया था आर्टिकल 123 में और उस ऑर्डिनेंस के बाद फिर उन्होंने उस पर कानून बनाया, अभी वो कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया था। नाउ इन दिस सिचुएशन श्री निर्मला सीतारमन जी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि देखिए, हमने इसमें कुछ चीज़ें अलग रखी हुई हैं, जैसे जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्राइम का उद्देश्य प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट देना है सोसाइटीज़ को, वो उनको इसमें से बाहर रखा गया। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस है लॉन्ग टर्म फाइनेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, उनको हमने बाहर रखा हुआ है। लेकिन जो बाहर रहेंगे वो ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो बैंक इस्तेमाल शब्द बैंक इस्तेमाल करेंगे, ना बैंकर शब्द इस्तेमाल करेंगे, ना बैंकिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे। वो प्राइवेटली सोसाइटी के पास जो अपना पैसा होता है उस सोसाइटी के पैसे के लिए वो कोई और नाम इस्तेमाल करेंगे, सोसाइटी का खजाना, सोसाइटी में जो भी, लेकिन वो बैंक, बैंकर और बैंकिंग शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने सबने देखा होगा कि ये फलानी कोऑपरेटिव बैंक, ये फलानी कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, ये तो ये कोऑपरेटिव बैंक जहाँ पर बैंक शब्द का इस्तेमाल होगा वो सारे आरबीआई रेगुलेशन में आएंगे, जहाँ पर बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। और उनका उद्देश्य प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका बिजनेस फिनेंस प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म भले ही फिनेंस प्रोवाइड करें वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, उनको इससे बाहर रखा गया है। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक अच्छा कदम है और इस कदम की सराहना होनी चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है बैंकिंग खासतौर से सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट होता है क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था पूरी केंद्र की रहती है। स्टेट के पास कुछ हम लिमिटेड पावर्स देते हैं कि वो अपने कुछ प्रोडक्ट, जैसे एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कोई एक खजाना, कोई एक 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 फंड बनाकर रखा हुआ है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब होता है लोग अपना फंड डालते हैं, उसकी एक सोसाइटी बनाते हैं, वो सोसाइटी जो है वो अपने उस सोसाइटी के तहत आने वाले सदस्यों के लिए कुछ क्रेडिट की व्यवस्था करती है, लेकिन वो बैंक नहीं होते हैं। बहुत सारे एलिगेशन विजय माल्या के ऊपर लगाए गए बैंकिंग सोसाइटीज़ को लेकर। हमें सब याद होगा कि अमित शाह और उनके बेटे पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि जो सोसाइटी के बैंक थे उनके माध्यम से बहुत कुछ घोटाले कर दिए गए।
अभी केंद्र सरकार ने उसमें संशोधन लाती है। ये सब कांग्रेस ने छोड़ा हुआ था अपने लोगों को राज्य में पैसा निकालने की व्यवस्था के लिए, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन में ना आकर अगर उसमें पैसा डिपॉजिट होगा तो वहां घोटाले कैसे किए जा सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि कॉपरेटिव सोसाइटीज के बहुत बड़े बड़े घोटाले खोलकर सामने आते रहे हैं और कॉपरेटिव सोसाइटीज को बहुत सारी डिस्क्रिशन पावर उस समय की केंद्र सरकारों ने दे रखी थी, और इसी वजह से वो जो उन्होंने पॉकेट्स बना रखे थे, इन पॉकेट से पैसा बाहर निकाल कर और मिसयूज और यूज राज्य सरकारों के माध्यम से करके और केंद्र है उसमें इन्वॉल्व होता था। अभी ये मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, और ये कहा गया है कि चूंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन के तहत आता है, मैं कह रहा हूँ कि जब पोस्ट ऑफिस बैंकिंग रेगुलेशन में आ सकता है जहाँ छोटे छोटे डिपॉजिट्स रहते हैं, तो सोसाइटी का जो बैंक है वो क्यों नहीं रेगुलेशन में आ सकता। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ओनली रेगुलेशन, नथिंग एल्स। कंट्रोल इनका ही रहेगा, जो सोसाइटी है वही कंट्रोल रहेगी, मैनेजमेंट उसके हाथ में रहेगा, लेकिन फेयरनेस के लिए उस पर प्रश्न ना खड़े हों और वो सोसाइटीज बैंक के रूप में कहीं मिसयूज ना कर सकें, इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको लाया गया है। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी इसी को कहते हैं। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।